हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है सरसों का साग या भाजी डिफरेंट स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सरसों का साग एक अलग तरीके से, एकदम सिंपल वे में। तो जिसके लिए ये मैंने फ्रेश सरसों ले लिया है और इसको मैंने अभी धो लिया है। सिर्फ सरसों ही है और अब इसको एकदम से बारीक काट लेते हैं। बारीक बारीक काट के आगे की प्रोसेस करते हैं। ये सरसों के साग को एकदम से मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसको लोहे की कढ़ाई में ले लिया है। और अब इसके अंदर डाल देते हैं नमक और इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और नमक इसके अंदर कम ही डालें क्योंकि साग में अपना ही नमक होता है। तो बस इस तरह से अच्छे से कर दिया है मिक्स। गैस की आँच को कर देंगे फास्ट, ढक के 5 मिनट होने देते हैं इसको। देखिए 4-5 मिनट बाद अपनी भाजी सिकुड़ती हो गई है। गैस को कर देते हैं बंद और इसके अंदर से ये देखिए पानी कितना सारा निकला है। तो ये पानी को, इसको भाजी को दबा के और ये पानी को छान लेते हैं। ये देखिए मैंने ये पानी छान लिया है, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके जितना आ सकता था बस, बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको पानी निकालना है। और बस ये भाजी को छौंकेंगे सिंपल तरीके से। ये सरसों की सिंपल सब्जियां भाजी बनाने के लिए, ये देखिए इसको अपने 5 मिनट कढ़ाई में नमक डाल के उबाल लिया था ऐसे ही, और इसका पानी छान लिया है। ये है अपना साग छाना है। और ये पानी आप चाहे तो पी सकते हैं, थोड़ा इसका तासीर गर्म होती है, मैं तो पी जाऊंगी। और ये है लहसुन, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च। और ये मसाले एकदम पाउडर मसाले कम ही डालने हैं। ये है 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग। नमक पहले भी डाला था तो सिर्फ नाम मात्रा को नमक डालेंगे। और ये मैंने सेम कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में इस्तेमाल करती हूँ जब सरसों का साग बनाती हूँ, तो कोई भी साग बनाए। और ये सरसों का तेल ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन और लहसुन को थोड़ा होने देते हैं लाल। देखिए अपना लहसुन हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च डाल दी है। और अब इसके अंदर ये पाउडर मसाला डाल देते हैं, मिर्ची हल्दी धनिया जीरा पाउडर है। और तुरंत बाद डाल देते हैं ये अपनी भाजी या साग। और नमक बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि जो साग में जरा सा भी नमक ज़्यादा हो जाता है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और इसको अभी कुक होने देते हैं चला के, ढक के। आपको होते हुए 4-5 मिनट हो गया है, इसको मैंने चला दिया है। अभी भी इसको होने देते हैं ढक के और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ना साग हो गया है, गैस को कर देते हैं बंद। और इस तरह से साग बनाने से ये देखिए एकदम बढ़िया बनता है। नहीं तो भाजी के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है तो पीच पीच करती है, जैसे भाजी खाने में भी मज़ा नहीं आती। तो ये इस तरह से सरसों का साग डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। तो अगर ये आप रोटी, पराठा, बाजरे की मोटी रोटी किसी के भी साथ खाएं, बहुत बढ़िया लगता है। वेरी गुड सर, सरसों का डिफरेंट स्टाइल में साग। और अब अपनी ये सरसों की सब्जी रेडी है, गुड फॉर हेल्थ। पूरे टाइम तो आप सरसों का साग घोट के इस तरह से तो बना के खा नहीं सकते हैं, तो ये बस पूरे सर्दियों के मौसम में बीच बीच में इस तरह से भी बना के फायदा उठाते रहें, तो गुड फॉर हेल्थ। और ये सब्जी भी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो बस एंजॉय करते हैं, आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं। हैव अ नाइस डे। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।